नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी और रिव्यू सेशन में। आज हम रीड पीपल लाइक अ बुक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक मिस्टर पैट्रिक किंग हैं। इस किताब में लेखक ने सामने वाले को समझने और परखने के उन नायाब तरीकों को बताया है जो आपको प्रभावी बनने, लोगों से सहायता पाने और जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए मददगार साबित होगा। इस किताब में हम जानेंगे लोगों के इमोशंस, थॉट्स, इंटेंशंस और बिहेवियर्स को एनालाइज, अंडरस्टैंड और प्रिडिक्ट करने का तरीका। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस हम कभी नहीं होने देंगे। सोच कर देखिए, अगर आपके सामने आने वाले हर व्यक्ति के मन में क्या है वो आपको पता चल जाए तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, आप यह दुनिया भी जीत सकते हैं। मुंह से बोलने के अलावा भी कई ऐसे जरिए हैं जो दूसरों की बातें और हालात समझने में हमारी मदद करते हैं। लोगों के मन में क्या है उसको बेहतर तरीके से जान पाना हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, कोई भी डील क्रैक करने और सामने वाले से मनचाही सहायता लेने में मदद करता है। किसी व्यक्ति का सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि उनका शरीर भी काफी कुछ बयान करता है। उनके बोलने का ढंग, आंखें, हाथ और शरीर का हर अंग चीख चीख कर बोल रहा होता है, बस हमें उन सिग्नल्स को पहचानने की देरी है। आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीजों से क्या फायदा और इसमें वक्त क्यों बर्बाद करना, लेकिन यह बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आप यह जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रहा या उसे आपसे किसी मदद की जरूरत तो नहीं जो शायद वो बोलने में झिझक रहा हो, या कहीं वो आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहा जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लोगों को समझने और परखने की शुरुआत आप सबसे पहले स्वयं को जानकर कर सकते हैं। महान फिलोसफर अरस्तु ने भी यही बोला है कि खुद को जानना ही सारी समझ की शुरुआत है। खैर, इतने सारे सवाल जवाब के बीच एक अहम सवाल यह है कि आखिर सामने वाले को पढ़ा कैसे जाए। ऐसे ही सवालों का जवाब आपको आगे 5 चैप्टर्स में मिलेंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में। चैप्टर 1, मोटिवेशन एज अ बिहेवियरल प्रिडिक्टर। आपके जीवन में भी कभी किसी मोड़ पर एक ऐसा वक्त जरूर आया होगा जब आप किसी अपने के बुरे रवैये का कारण आज तक समझ ही नहीं पाए होंगे कि आखिर उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। इसी सवाल से हमें किसी व्यक्ति को पढ़ने, जानने और समझने की प्रेरणा मिलती है। इंसानों का व्यवहार प्लेजर प्रिंसिपल्स पर निर्भर करता है, जिसमें हर इंसान सुख की ओर और दुख से दूर भागना चाहता है। और जब आप यह पहचान लेते हैं कि सामने वाले को कौन से सुख की तलाश है और कौन से दुख से वो बचना चाहता है, तो आपको उस व्यक्ति को समझना और भी आसान हो जाता है। इसके अलावा सामने वाले की जरूरतों को समझकर आप उनके व्यवहार का, व्यक्तित्व का, सोच का अंदाजा भी लगा सकते हैं, जिसे अब्राहम मैस्लो के पिरामिड ऑफ नीड्स के कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है। इसमें बताया गया है कि उम्र के साथ हमारी जरूरतें भी बदलती हैं और इस संसार के हर इंसान की सच्ची जरूरतें केवल 5 स्टेजेस में ही सीमित हैं। पहला स्टेज है कंप्लीटनेस, यानी अपने लक्ष्य को हासिल करके खुद को पूरा महसूस करना। दूसरा स्टेज है सिक्योरिटी, यानी उसके बुनियादी जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की जीवन भर मिलते रहने की गारंटी। तीसरा स्टेज है लव और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जो उसके अकेलेपन को दूर करता है। चौथा स्टेज है बिलीव, यानी खुद पर और दूसरों पर अटूट विश्वास। और पांचवा स्टेज है नो योर सेल्फ, यानी अपने जीवन के असल मकसद की खोज, जिसकी जरूरत बाकी के 4 स्टेजेस पार करने के बाद ही महसूस होती है और यह सबसे जरूरी भी है। ऐसे में आपको किसी व्यक्ति को आसानी से पढ़ने और समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि वो इन 5 स्टेजेस में अपने जीवन के किस स्टेज पर है। उसके सुख दुख की कड़ी को समझकर और उसके जरूरतों को जानकर आप उसके बारे में वो सब कुछ जान सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं। यह तो हुई उसके जरूरतों और सुख दुख के अनुसार उसकी पहचान करने की बात। इसके अलावा किसी व्यक्ति के चेहरे और बॉडी लैंग्वेज की मदद से भी उसके बारे में जान सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। चैप्टर 2, द बॉडी, द फेस एंड क्लस्टर्स। सामने वाले को सुनने के लिए उसका बोलना जरूरी नहीं है, आप उसके शरीर, चेहरे और हाव भाव की मदद से भी उसके मनोभाव को समझकर सीधे उसके मन या दिमाग तक पहुंच सकते हैं। किसी व्यक्ति को एक नजर में देखकर उनके बारे में सब कुछ जान लेना आमतौर पर 2 बुनियादी पहलुओं पर निर्भर करता है, पहला उनके चेहरे के हाव भाव से और दूसरा उनके बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन उनके बारे में जानने से पहले आपको यह क्लियर करना होगा कि आपको स्पेसिफिकली उनके बारे में जानना क्या है। हमारे चेहरे के हाव भाव 2 तरह के होते हैं, एक माइक्रो एक्सप्रेशन और दूसरा मैक्रो एक्सप्रेशन। मैक्रो एक्सप्रेशन बहुत ही धीमा और आम एक्सप्रेशन होता है जो झूठा और सोच समझकर बनाया जाता है, जबकि वही माइक्रो एक्सप्रेशन इसका ठीक उल्टा होता है। यह ज्यादा तेज, आसानी से समझ में ना आने वाला और बिना सोचे समझे आने वाला एक्सप्रेशन होता है। ऐसे ही बॉडी लैंग्वेज को समझने का दायरा भी बहुत बड़ा है, जिसे समझना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कला है। किसी धोखा देने वाले व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज हमेशा तनाव में रहती है, उसके मन में बुरे ख्याल होते हैं और वो आपसे कटा कटा रहता है, मानो कि कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा हो।
आपको ऐसे लोगों के बर्ताव के पीछे के पैटर्न को समझने की जरूरत है। आपको यह जानने की जरूरत है कि सामान्य तौर पर वो व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। उनके पूरे शरीर पर गौर कीजिए, उनका चेहरा, आवाज, ढंग, कपड़े, बाल, हाथ और उंगलियों तक को ध्यान से देखिए। पूरे बॉडी के पैटर्न को देखिए। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे किसी का आपसे दूर दूर रहना, आपको देखकर नजर छुपाना, आपको देखकर रास्ता बदल देना, उनका ऐसा व्यवहार बचाव, शक और शर्म की तरफ इशारा करता है। ठीक ऐसे ही किसी का आपकी और आके खुशमिजाजी से बढ़कर हाथ मिलाना, खुलकर बात करना, उनका ऐसा व्यवहार आपके प्रति दोस्ताना और भरोसेमंद रवैये की ओर इशारा करता है। वैसे ही आपके काम में किसी व्यक्ति का अगुवाई करना, दिशा निर्देश देना, उनके दबदबा कायम करने, काबू करने और यकीन दिलाने वाले रवैये को दर्शाता है। ऐसे ही आपके लिए किसी का सजना संवरना, स्पर्श करना, आपके हर बात पर मुस्कुराना या हंसना आपके प्रति उनके रोमांटिक रवैये को दर्शाता है। किसी का आपसे बहाने खोजकर बात करना और आपके हर बात पर सहमति दिखाना आपके प्रति सम्मान, मित्रता और आपको पसंद करने की ओर इशारा करता है। इसी तरह किसी का हाथ मसलना, होठों को दबाना, उठी हुई आईब्रोज, आहिस्ता सांस लेना, तेज आवाज में बोलना, जल्दी जल्दी पलके झपकाना आदि उनके तनाव में रहने का संकेत देता है। आपको सामने वाले के अंदर उन साइंस को देखना चाहिए जो उनके रोज के व्यवहार, बातचीत और काम करने के तरीकों से अलग होता है, जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति या तो आपसे झूठ बोल रहे हैं या फिर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी असमंजस में है। यह तो हुई उनके फेस और बॉडी लैंग्वेज की बात। इसके अलावा आप सामने वाले की पर्सनैलिटी की सही पहचान करके भी उनके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। चैप्टर 3, पर्सनैलिटी साइंस एंड टाइपोलॉजी। किसी भी व्यक्ति के अंतर्मन में क्या चल रहा है, उसके लिए आपको उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता होना भी जरूरी है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे संसार में सिर्फ 9 ही तरह की पर्सनैलिटी है जो हर व्यक्ति में पाई जाती है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, पर यह सच है। किसी भी व्यक्ति के साइकोलॉजी के बारे में पता करने के लिए हमें उसके पर्सनैलिटी को एनालाइज करना चाहिए और यहीं से सामने वाले को पढ़ने और समझने की शुरुआत होती है। पर्सनैलिटी को एनालाइज करने के लिए कई टेस्ट भी हैं, जिनके मदद से आप स्वयं की और लोगों की पक्की परख कर सकते हैं। पहला टेस्ट है दी बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जिसे OCM टेस्ट भी कहते हैं। रिसर्चर्स ने पाया है कि पर्सनैलिटी की एक साइंस है। हर व्यक्ति, चाहे उसका जेंडर, एज और नेशनैलिटी कुछ भी हो, 5 बुनियादी लक्षणों से बना है। पहला, ओपननेस, यानी कि जब आप नए अनुभवों और ज्ञान के प्रति जिज्ञासु और खुले विचारों वाले होते हैं। दूसरा, कॉन्सियसनेस, जो यह बताता है कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड और भरोसेमंद हैं। तीसरा, एक्सट्रोवर्जन, जो यह वर्णन करता है कि आप लोगों से कैसे बातचीत करते हैं। चौथा, एग्रीएबलनेस, कि आप दूसरों के प्रति कैसा महसूस करते हैं। और पांचवा, न्यूरोटिसिज्म, यानी कि आप अपने इमोशंस से कैसे निपटते हैं। अब आप विचार करके देखिए कि इन 5 ट्रेट्स में से आपके अंदर या आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके अंदर कौन से ट्रेट्स हैं। ऐसे ही एक और टेस्ट है मायर ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर, यानी कि MBTI टेस्ट, जो लोगों को 4 स्पेसिफिक स्केल्स का उपयोग करके उनके पर्सनैलिटी का आकलन करने में मदद करता है। पहला स्केल है एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन स्केल, जो किसी व्यक्ति के बारे में यह समझने में मदद करता है कि वो अपना ध्यान कहां लगाते हैं और उन्हें कोई काम करने की ऊर्जा कहां से मिलती है। दूसरा स्केल है सेंसिंग इंट्यूशन स्केल। यह स्केल इस बात की जांच करता है कि लोग अपने आसपास की दुनिया से जानकारी कैसे लेते हैं। तीसरा स्केल है थिंकिंग फीलिंग स्केल। इस स्केल के जरिए यह समझना होता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने 5 इंद्रियों द्वारा इकट्ठा की गई जानकारियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है या फिर पैटर्न्स और इंटरप्रिटेशंस पर। चौथा स्केल है जजिंग परसीविंग स्केल। इस स्केल से यह आकलन किया जाता है कि क्या कोई व्यक्ति स्ट्रक्चर्ड लाइफ पसंद करता है या फिर फ्लेक्सिबल। इसके अलावा स्वयं की या किसी और की पर्सनैलिटी का आकलन आप KRC के टेम्परामेंट टेस्ट से भी कर सकते हैं, जिसके मुताबिक किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी के सिर्फ 4 स्वभाव ही होते हैं। पहला, गार्जियन, यानी कि संरक्षक, जो भरोसेमंद, पारंपरिक और लॉ एंड ऑर्डर्स का सम्मान करने वाले होते हैं। दूसरा, आर्टिसन, यानी कि कारीगर, जो क्रिएटिव, एडवेंचर की तलाश करने वाले और रिस्क टेकर होते हैं। तीसरा, आइडियलिस्ट, यानी कि आदर्शवादी, जो हमेशा पर्सनल ग्रोथ के लिए प्रयासरत, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार और साथ मिलकर काम करने में विश्वास रखते हैं। और चौथा, रैशनल, यानी कि तार्किक, जो प्रॉब्लम सॉल्वर, लॉजिक और इंटेलिजेंस की वैल्यू करने वाले और परिस्थिति को सुधारने और ठीक करने के लिए प्रेरित रहते हैं। KRC के मुताबिक 80% लोग पहले 2 स्वभाव की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि गार्जियन और आर्टिशन। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण टेस्ट है एनाग्राम टेस्ट, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के अंदर 9 में से कोई 1 या 2 पर्सनैलिटी ही होती है। वो पर्सनैलिटी है, पहला, रिफॉर्मर, यानी कि सुधारक, जो तर्कसंगत और आदर्शवादी होते हैं। दूसरा, हेल्पर, यानी कि सहायक, जो देखभाल करने वाले और उदार होते हैं। तीसरा, अचीवर, जो सक्सेस ओरिएंटेड और इमेज कॉन्सियस होते हैं। चौथा, इंडिविजुअलिस्ट, यानी कि व्यक्तिवादी, जो सेंसिटिव और एक्सप्रेसिव होते हैं।
पांचवा इन्वेस्टिगेटर यानी कि खोजी, जो इनोवेटिव और आइसोलेटेड होते हैं। छठवां लॉयलिस्ट यानी कि वफादार, जो कमिटेड और सिक्योरिटी ओरिएंटेड होते हैं। सातवां इंथुजियास्ट यानी कि जोशीले, जो बिजी और फन लविंग होते हैं। आठवां चैलेंजर यानी कि दावेदार, जो पावरफुल और डोमिनेटिंग टाइप के होते हैं। और नौवां पीसमेकर यानी कि शांति प्रिय, जो इजी गोइंग और शर्मीले होते हैं। यह सारे टेस्ट वो टेस्ट हैं जिनसे आप सिर्फ दूसरों का ही नहीं बल्कि अपने भी पर्सनालिटी का पता आसानी से लगा सकते हैं। OCM, MBTI, QRC और एनाग्राम टेस्ट में सबसे कारीगर एनाग्राम टेस्ट होता है, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि लोग कोई काम या व्यवहार क्यों और कैसे करते हैं, जो आपकी मदद उन्हें अच्छे से समझने और पढ़ने में करते हैं। इन टेस्ट का प्रोसेस कुछ इस तरह है। अलग अलग तरह के टेस्ट स्केल को समझिए, लोगों पर गौर कीजिए और फिर देखिए कि आप या सामने वाले व्यक्ति इन स्केल्स में कहां फिट होते हैं, और आपको जरूरी जानकारी मिल जाएगी जिसको आप जानना चाहते हैं। चैप्टर 4, लाई डिटेक्शन एंड कैवियट्स। झूठ एक ऐसा अभिशाप है जो बोलने और सुनने वाले दोनों के लिए ही घातक साबित होता है। ऐसे में हमें झूठ बोलने और धोखा देने वालों से सावधान होकर उनकी पहचान करना बहुत जरूरी है। किसी सच्चे आदमी का पता लगाने के लिए उनका चेहरा और बॉडी लैंग्वेज काफी होता है, लेकिन झूठे आदमी को पहचानने के लिए और भी बेहतर तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है। ज्यादातर लोग झूठ पहचानने में इतने माहिर नहीं होते जितना वो खुद को समझते हैं, और इन्हीं लोगों के साथ धोखा ज्यादा होता है। किसी व्यक्ति के झूठ को पकड़ना इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसकी बात कितने ध्यान से सुनते हैं। तुरंत बोले गए झूठ को पकड़ना और भी आसान होता है, क्योंकि सामने वाले को स्क्रिप्ट करने या प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिलता। ध्यान रखिए, किसी झूठी और मनगढ़ंत कहानी को बुनने और सुनाने में इतनी ज्यादा मेहनत लगती है कि उसे सुनाने वाले का दिमाग बाकी पहलुओं के बारे में भूल ही जाता है और अपने मोटिव और इमोशंस में सामंजस्य ही नहीं बैठा पाता। और यही वो पॉइंट है जहां आप उसे पकड़ सकते हैं। झूठ बोलने वाले को पकड़ना बेशक काफी पेचीदा है, लेकिन इन 6 स्ट्रेटजीज की मदद से उसका पर्दाफाश किया जा सकता है। पहला है, किसी से बात करते वक्त यह देखिए कि उसके शब्द और इमोशंस आपस में मेल खा रहे हैं या नहीं, क्योंकि झूठ बोलने वाले शख्स सच बोलने वाले से कम इमोशंस जाहिर कर पाते हैं। दूसरा, बातचीत के दौरान सामने वाले के हर हाव भाव पर ध्यान दीजिए। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, जैसे बेसब्री की वजह से उनकी पलकें ज्यादा झपकने लगेगी, पुतलियां बड़ी हो जाएंगी, वो बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे, बात बात में अटकेंगे और उनकी जुबान भी फिसलेगी। तीसरा, सामने वाले को शांति से अपनी बात कहने दीजिए और बात खत्म होने पर अपने तथ्य के साथ एक सटीक सवाल पूछिए, जो उसके झूठ को पकड़ने के लिए काफी होता है। हाँ, इस दौरान उन्हें यह बिल्कुल एहसास न होने दीजिए कि आप उन पे शक कर रहे या पूछताछ कर रहे हैं। चौथा, अजीब लंबी और जानकारियों से भरी कहानियों पर गौर कीजिए, क्योंकि अमूमन ऐसी कहानियां झूठी ही होती हैं, जिन्हें आराम से बैठकर बनाया गया होता है। आप बोलने वाले के साधारण से साधारण रवैये पर ध्यान दीजिए और देखिए कि कहानी की ऐसी कौन सी बात है जो आपस में मेल नहीं खा रही है। पांचवा, किसी से बात करते वक्त कुछ पूछने पर अगर सामने वाला अचानक से चुप हो जाए या परेशान नजर आए तो समझ जाइए कि वो झूठ बोल रहा है। और छठवां, अपने इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि शायद आपका अनकॉन्शियस माइंड वो झूठ पकड़ लिया होगा जो आपका कॉन्शियस माइंड ना पकड़ पा रहा होगा। चैप्टर 5, यूजिंग द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, यह अपने आप में ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको आपके जीवन में इतना परिपक्व बना देती है, इतना कुछ सिखा देती है कि आपके लिए किसी को भी पहचानना, जानना, परखना सब कुछ आसान हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप अपने ऑब्जर्वेशन के पावर का सही उपयोग करते हैं। किसी के बारे में जानने के लिए उसे दिन रात ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके पास इतना वक्त है। लेकिन थिन स्लाइसिंग के मदद से आप कम समय और डाटा में सामने वाले के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। आप बस लोगों के उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जो आम बातचीत, ईमेल या टेक्स्ट में लिखते हैं या बोलते हैं, जैसे प्रोनाउन, एक्टिव या पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना, कसम खाना, उनके बोलने का लहजा, उनके शब्दों का चयन। साथ ही सामने वाले के इमोशंस में छिपी ताकत को समझिए कि वो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे हद से ज्यादा निगेटिव भाषा का इस्तेमाल इस बात की ओर इशारा करता है कि सामने वाले की मेंटल हेल्थ सही नहीं है या फिर उसमें भरोसे की कमी है। किसी के घर, कपड़े, सामान को इस तरह पढ़िए जैसे आप उनकी आवाज या बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके घर के माहौल पर ध्यान दीजिए, वो किससे मिलते हैं, कितने सोशल हैं, अपना ज्यादा वक्त कहाँ बिताते हैं, उनके पास क्या ज्यादा है और क्या कम है उस पे गौर कीजिए। वो अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल करते हैं, उनकी पुरानी आदतों के बारे में जानिए। आज के दौर में तो आप उनके बारे में आसानी से सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारियों से भी जान सकते हैं कि वो कैसी फोटो अपलोड करते हैं या कैसे जज्बात को जाहिर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो निगेटिव हो, न्यूट्रल हो या फिर पॉजिटिव हो। पॉजिटिव फोटो डालने वाले ज्यादा एग्रीएबल, एक्सट्रोवर्ट और जिम्मेदार होते हैं, हालांकि न्यूट्रल फोटो डालने वाले खुले और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाले होते हैं। इस तरह के ख्याली सवालों की मदद से हम किसी के भी बारे में जरूरी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जो उनके छुपे ख्वाहिश, उनके बारे में राय और उनके वैल्यूज को जानने में मददगार साबित होता है।
तो दोस्तों हमारी समरी यहाँ खत्म होती है, अब बढ़ते हैं रिव्यू सेशन की ओर। बात करें बुक की कवर की तो यह साधारण ही है, लेकिन यह किताब वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण है। यह एक सेल्फ हेल्प गाइड है जो आपकी मदद लोगों को आसानी से समझने में करती है। इस किताब में प्रयोग किए गए साइकोलॉजी से रिलेटेड वर्ड्स थोड़े कठिन हैं, लेकिन इस समरी को सुनने के बाद आप इसे 15 से 16 दिन में अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। आप यह किताब फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल वीडियो के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और कौन सी वीडियो, बुक या मूवी के बारे में आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। नमस्कार और धन्यवाद।